सत्य खबर देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। अरे चैनल पर आए गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और यह घंटी भी बजा दियो। भिवानी में रात 8 बजे के करीब कार सवार 3 दोस्तों पर बुलेट बाइक सवार 2 युवकों ने फायरिंग की और फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। देर शाम भीम स्टेडियम में आशीष मनीष और गगन नामक युवक व्यायाम करने आए थे। व्यायाम कर वो जब अपनी वर्ना कार में घर के लिए निकले तो स्टेडियम से निकलते ही उनके पास एक बुलेट बाइक आई जिस पर 2 युवक सवार थे। कार सवार मनीष और आशीष दोनों भाई हैं, जिनका आरोप है बुलेट पर चिराग विशिष्ट और एक और युवक था जिन्होंने उन्हें जाने से मारने के लिए गोलियां चलाई। स्टेडियम से घर जा रहा था, टाइम था लगभग 7:35-7:40 का। स्टेडियम से निकले जब हम, साइड में बुलेट बाइक पे 2 लड़के थे, उन्हें बाइक साइड में चलाते चलाते फायर किया, मतलब इसी रोड पे उड्डा पार्क वाला यूथ हॉस्टल के सामने। 10 महीने पहले गाड़ी क्लोच हुई थी उसके बाद आज ही उन्होंने वो किया था। जो वो चिराग वशिष्ठ है कोई, और उसके साथ एक और लड़का था, वो देखा नहीं। मैं स्टेडियम से प्रैक्टिस करके मेरे भाई आशीष और मेरे दोस्त गगन के साथ घर के लिए निकला तो हम यूथ हॉस्टल तक आए तो हमारे पास वर्ना कार थी। वर्ना कार की साइड में एक बुलेट बाइक आई जिस पर 2 युवक सवार थे, उन्होंने गाड़ी के ऊपर फायर किया और गोली गाड़ी के ऊपर निकल गई और मेरे दोस्त गगन के उसकी चिंगारी आँख में लगी है जी। 10 महीने पहले गाली गलौज हुआ था थोड़ा मोटा, तो वो 10 महीने बाद आज सीधा गोली चला के जान से मारने के लिए आए थे और गोली चला के चले। 2 भी कला के हैं दोनों, एक जो जिसने गोली चलाई वो चिराग वशिष्ठ नाम है उसका जी। ऐसी थोड़ी मोटी गाली गलौज थी, आपस में गाली गलौज हुई थी और उन्होंने आज 10 महीने बाद सीधा गोली चला के जान से मारने की कोशिश करी। वहीं सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना प्रभारी विद्यानंद, CIA पुलिस और सेक्टर 13 चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सिविल लाइन थाना SHO इंस्पेक्टर विद्यानंद ने बताया कि कार सवार युवकों को बुलेट बाइक सवार 2 युवकों पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। घटनास्थल से ना ही तो गोली का खोल अभी तक मिल पाया है और ना ही किसी को चोट आई है। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। हाँ, सूचना के आधार पर हम मौका पर पहुँचे हैं और हम यहाँ पे इनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो 3 लड़के थे वर्ना गाड़ी में, उन्होंने आरोप लगाए हमारे पे, 2 लड़कों ने फायरिंग की है, जबकि मौके पर हम इसकी जांच कर रहे हैं। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद ही जैसा सामने आएगा इस प्रकार से कार्रवाई करेंगे। ये 3 लड़के थे, 3 लड़के एक गाड़ी में बैठे थे, तीसरा लड़का जो गगन है वो पीछे बैठा था, उसने बताया है। बाकी 3 लड़के थे ये, इनकी पहले 1 साल पहले बता रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई कया सुनी हुई है। ये वर्ना गाड़ी में थे, उन्होंने बताया भाई वो मोटरसाइकिल पे साथ के निकले हैं, वो ये उनको जानते हैं और इन्होंने अभी वेरीफाई करा है। हाँ, उन लड़कों को बाय नेम जानते हैं। पीड़ितों के करीब 10 माह पहले स्टार ग्रुप चलाने वाले चिराग नामक युवक से उनकी फेसबुक पर कहा सुनी हुई थी। इसके बाद उनका झगड़ा हुआ, इसी रंजिश को लेकर उन पर यह हमला किया गया है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। सत्य खबर के लिए भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।